वेलकम फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपने देखा था IRF Z44 एंड MOSFET से कैसे DC-to-DC बूस्टर बनाना है, लेकिन इस वीडियो में मैं ट्रांजिस्टर यूज़ करने वाला हूं, क्योंकि MOSFET यूज़ करने से अच्छा आउटपुट नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं इस वीडियो में 13003 का NPN ट्रांजिस्टर यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बार मैं पिछले वीडियो का सर्किट यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इस सर्किट में सिर्फ 555 एन टाइमर आईसी को रखा है और 1K वेरिएबल रजिस्टर और 25 वोल्ट 22 माइक्रोफैट का कैपेसिटर। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तुरंत पा सके और सबसे पहले देख सके। दोस्तों, ये है 1K वेरिएबल रजिस्टर। इसको घुमा के आप वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप IC का पिन देख लीजिए कहाँ पर कनेक्टेड है। दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कौन सा चीज़ कहाँ पर लगाना है। दोस्तों, ये है 13003 NPN ट्रांजिस्टर। आप इस ट्रांजिस्टर को पुराने CFL के सर्किट से और पुराने ट्यूबलाइट के चोक से आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये है 1N4007 का डायोड। आप इस डायोड को भी पुराने CFL के सर्किट से निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये है कोयल इंडक्टर। आप इस कोयल को भी पुराने CFL के सर्किट से निकाल सकते हैं आसानी से। फिर से हमें एक 1N4007 का डायोड लेना पड़ेगा। इस डायोड को भी लगा लेते हैं सर्किट में। उसके बाद लेना पड़ेगा हमें एक कैपेसिटर 50 वोल्ट 4.7 माइक्रोफैराड का पोलराइज्ड कैपेसिटर है। इसको भी लगा लेते हैं अच्छे से। तो अब हमारा DC-to-DC वोल्टेज बूस्टर सर्किट तैयार हो चुका है। सारे कंपोनेंट को सोल्डर कर लेते हैं, उसके बाद वायर्स को जोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक 3.7 वोल्ट का मोबाइल का बैटरी ले लिया है। पहले इस बैटरी को इस मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, कनेक्ट करते ही इस बैटरी का वोल्टेज 3.9 वोल्ट दिख रहा है। उसके बाद हमारा ये DC-to-DC वोल्टेज बूस्टर को कनेक्ट करके देखते हैं। फ्रेंड्स, सर्किट डायग्राम लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, इस सर्किट का सर्किट डायग्राम लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में जाके इस सर्किट का सर्किट डायग्राम लिंक देख सकते हैं। मैं सर्किट को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ। अब थोड़ा वेरिएबल रजिस्टर को घुमा लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल रजिस्टर को घुमाने से वोल्टेज कम और ज़्यादा होगा। तो उसके बाद मल्टीमीटर को लगा के देखते हैं कितना वोल्टेज आउटपुट मिल रहा है।
पहले मल्टीमीटर को 200 वोल्ट पे डीसी पर सेट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, आउटपुट वोल्टेज लगभग 95 वोल्ट मिल रहा है, देखिए। और इनपुट वोल्टेज है 3.8 वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज है 90 वोल्ट से ज़्यादा। देखिए दोस्तों, इस बार मैं एक 12 वोल्ट एलईडी को कनेक्ट कर दिया है इस सर्किट के साथ। उसके बाद बैटरी के साथ इस सर्किट को कनेक्ट करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, बैटरी को कनेक्ट करते ही ये लाइट अच्छे से ग्लो कर रहा है, देखिए। दोस्तों, इस 1K वेरिएबल रजिस्टर को आप घुमा के वोल्टेज को कम या और ज़्यादा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।